हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजनेस की शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकें। दोस्तों, क्या आप भी बिजनेस शुरुआत करने में बड़ी परेशानी में हैं और आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है हम किस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए कि वो कितने लोगों की नीड पूरी करेगा, उस बिजनेस से हमें कितना बेनिफिट होगा वगैरह वगैरह। हमें बिल्कुल ध्यान देना है, पेन और कॉपी के माध्यम से उसे नोट डाउन करना है और उस पर पूरी प्लानिंग करना है। उसके बाद आता है दोस्तों बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली बात होती है हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, कम से कम बजट में अपनी कंपनी को स्टार्ट करना है, उस बिजनेस को शुरुआत करना है। और उसके बाद पूरी प्लानिंग करनी है कि हम इस बिजनेस को करोड़ों तक किस तरह से लेके जा सकते हैं, वो भी आपको पूरी प्लानिंग के साथ ही हो सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों, देखो शुरुआत करने के लिए आपको एक योजना की ज़रूरत पड़ेगी और उस योजना में क्या है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को करोड़ों तक लेके जा सकते हैं, पूरी प्लानिंग आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों, कड़ी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि बिजनेस में कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, शुरुआत में आपको करनी पड़ेगी, जब एक बार सिस्टम आपका सेट हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, पैसिव इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, इसी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको उन सभी मुसीबतों से मतलब कि घबराना नहीं है, ना डरना है, उनका सामना करना है, उन समस्याओं का हल निकालना है, किस तरह से हम इस बिजनेस को अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। दोस्तों, हमें कोशिश करनी है हमारे बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक किस तरह से लेके जा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों सबसे पहली बात होती है, मैं आपको चार टॉपिक बताने वाला हूँ कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहली बात होती है दोस्तों, उस बिजनेस का बिल्कुल आपको बिजनेस प्लान आपको नोट कर डाउन करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होने वाली है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होने वाला है और उसमें कितना इन्वेस्ट हमको करना है। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितने वर्कर लगेंगे, सब कुछ आपको नोट डाउन करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों, जिस बिजनेस को हम करने जा रहे हैं वो उसका स्थान का बिल्कुल चयन करना पड़ेगा दोस्तों। हम जहाँ पर लगाने जा रहे हैं वो अच्छी लोकेशन पे है या नहीं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा रहेगी नहीं रहेगी, वहाँ लाइट पानी की सुविधा रहेगी नहीं रहेगी, इन चीज़ों का भी हमें विशेष ध्यान देना है। लोकेशन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एक कर्मचारियों की टीम की दोस्तों, उसमें हमारे पास कौन कौन से वर्कर लगेंगे, मशीन ऑपरेटर कौन रहेगा, सेल्स का काम कौन संभालेगा, ये वगैरह वगैरह जो भी आप देखो, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टीम होती हैं, तो आपको उनका चयन करना है कि आप खुद ही कर सकते हैं या आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है दोस्तों, कारोबार के लिए निवेश हमें कहाँ से इकट्ठा करना है, कितना इन्वेस्ट हमें उस बिजनेस में करना है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें भी हमें बिल्कुल ध्यान देने वाली हैं। उसके बाद आता है दोस्तों टेक्नोलॉजी, हम अपने बिजनेस को किस टेक्नोलॉजी के तहत अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे कि आपके सामने देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका भी हमें यूज़ करना है, जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अपने यार प्रोडक्ट को वहाँ भी अपन सेल करेंगे तो अच्छा खासा इनकम होगा, वो कंपनी ऑटोमेटिक आपके माल को सप्लाई करेंगी दोस्तों। उसके बाद होता है कि जो भी हमारे पास कर्मचारी हैं उनको आप जिम्मेदारी दीजिए, उनको आप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है जिससे कि आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं और अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, वहीं किसी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप अगरबत्ती का बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारी अगरबत्ती से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं मधुराष्टा कंपनी पर, आप वो देख सकते हैं। आपको जहां भी कहीं दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है और सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लें जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।